यो तालाबंदी को मुख्य देश हमी को हमीर को तब को तो भुक्तानी को लगी हो हमीर मुख्यमंत्री कार्यालय 75-76 देखि नहीं हमीर टेन्डर प्रक्रिया नहीं हमीर ठेकारो लिया तब को एक साल अगाड़ी मुख्यमंत्री कार्यालय तब को भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में फाइल सब ट्रांसफर कर भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय चारवटे आईडीओ में पठाइदे सो सब निर्णय करें मंत्री सचिव को स्तरीय निर्णय कर आईडीओ में पठा अब यहाँ आज फाइल हेर्दु भोलि फाइल हेर्दु आज भोलि गर्दा एक वर्ष बिताइसके अहिलेसम्म न कोई साइड में जान्छ न फाइल हेर्छ न के गर्छ जैसे हामीहरुले अलिकता बोलाए के भन्यो भने बस माइनटिङ सुरू त्यसपछि सुरू अहिले अब के भन्छ अदालत में जानु तो सब को लगी हम अदालत में जाना इिहरों को बसर तो काम छे कहीं यो रोड को हाल सचिव जी बोला आज मान इन पटक पटक बोला ये इन को नाटक मात्र हो यो सचिव होस् मंत्री होस् तो सब को नाटक मात्र हो हमीर बोलाने हमीर दुई सब एट माइनटिंग करने 30 दिन को टाइम लिने 30 दिन को सट्ठा में 60 दिन में उन्हीं रिपोर्ट पेश करने तो 2 महीना गयो माघ में तब को मंत्री तब सब पत्रिका में देखो न मंत्रीजी को मुख्यमंत्रीजी ने यही यहीं माथि डिशीजन माघ को 22 गते 10 महीना 22 गते में 30 दिन भित्र तपाईको प्रतिवेदन पेश गर्नलाई के कुन अवस्थामा चाहिने कुन ठेक्का छ भुक्तानी गर्न किन भइराछ न त्यो प्रक्रिया आजभन्दा 10 दिन अगाडि पेश भएको छ अनि यहाँबाट प्रतिक्रिया मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाए मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोक लगाएर फेरि यही पठाइदियो कि हामीले सबै भौतिक पूर्वाधारमा पठाइसकेछु उनीहरुकै जिम्मा छ इनीहरु कानमा तेल दिएर राखेर सुतिराछ त्यो तपाईको हाम्रो यो रोडको भित्रको लगाएर 39 वटा भन्नु यो भित्रको रोडको समेतको गरेर सबै फाइल मिलाएर तपाईको अहिले तुरुन्तै भुक्तानी लिन पर्न त लगल 60 लाख भन्दा बढी त होइन 60 करोड भन्दा बढी तपाईको पेमेन्टै छ त्यतिको बिलै पेश भयो अनि बिल पे काम भएर पनि तपाईले बिल के पेश गर्न धेरैको बाँकी छ अब प्राविधिक साइडमा जान्दैन मेजरमेन्ट गर्दैन हामीहरूले आफ्नो प्राविधिक बाहर जुन मेजरमेन्ट गरेर बिल दर्ता गराउँछ निवेदनमा समेत तोक लगाउँदै दर्ता लगाउँदै यतिसम्म गर्छ हामीले न तोक लगाउँछ न साइडमा जान्छ न केही गर्छ भुक्तानीको र साइड साइड सम्बन्धी कुनै कुनै छैन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तपाईको मेन पावर नभएर र सम्बन्धित रिलेटेड यो इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग भएको यो मन्त्रालयमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेको उता के रे मेन पावर नभएर यो भौतिक पूर्वाधारमा चाहिने र यो 8 वटा जिल्ला में मध्य प्रदेश को 8 वटा जिला में काम भएको हुनाले अब 4 वटा आईडीओ छ 2-2 वटा जिला हेर्छ त्यो हिसाबले 2-2 वटा जिला को जिला जिला वाइज को काम को लोड भी कम हो प्राविधिकले भ्याउन सक्छ भने त्यो चाहिने नीति अपनाएर चाहिँ यो फाइल उताबाट यता ट्रान्सफर गरेको हो र सबै आईडीओ में पठाएको हामी यहाँ 8 जिला को निर्माण व्यवसाय 8 जिला में काम करने निर्माण व्यवसाय 8 जिला को मान्छे नभए पनि 8 जिला में काम करने संपूर्ण निर्माण व्यवसाय हामी अहिले उपस्थित छौ।